50 और 60 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री जो आंखों से ही कहानी बयां कर देती थी। फिल्मों में डांसर और कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी ये। रूप कहां नहीं जाए, नखदे वाली का होए। और थी चुलबुली हसीन अदाकारा। जिसने स्टेज डांसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते हिंदी फिल्मों की जानी मानी डांसर बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हसीन अदाकारा दिग्गज कॉमेडियन महमूद की बहन थी और एक्ट्रेस मीना कुमारी ने फिल्मों में इनका नामकरण किया था। और क्या आप जानते हैं कि गुर्बत के दिनों में ये बड़े भाई महमूद के साथ साथ अपने 8 भाई बहनों का खर्चा अकेले उठाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन करेंगे इस बात पर कि हिंदी फिल्म की एकमात्र ये ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने पर्दे पर अपने सगे भाई के साथ रोमांस किया और कितनी ही आलोचनाओं की ये शिकार बनी। लेकिन डटी रही, बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। ये दुनिया उसे की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसे की जो प्यार कर ले। एक अनोखी अभिनेत्री जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन डांसर भी थी। जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में तो काम किया ही, उनका नाम भी हुआ और उनका नाम था मीनू मुमताज। फिर क्यों उन्हें अपने करियर में वो सफलता नहीं मिली दोस्तों जिसकी वो हकदार थी, आज हम उसी एक्ट्रेस की बात करेंगे और बताएंगे उनके बारे में बहुत कुछ जो शायद ही आप जानते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इतिहासकार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। मीनू मुमताज, जी हां दोस्तों, ये नाम से शायद आप इन्हें ना पहचान पाए लेकिन जब आप इनके चेहरे को देखेंगे, इनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते थे और जब आप इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस देखेंगे, इनका डांस देखेंगे तो छट से आप पहचान जाएंगे कि कौन थी मीनू मुमताज। अप्रैल 1942 मुंबई में पैदा हुई थी मीनू मुमताज और इनका असली नाम था मलिकुन्निसा अली। और जानते हैं ये नाम उन्हें किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी ने। लेकिन इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। उनकी माँ का नाम था लतीफुन्निसा और उनके पिता थे मुमताज अली, जो अपने टाइम के मशहूर एक्टर और बेहतरीन डांसर थे दोस्तों। मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे, है बाबूजी, मेरा बंबई से बाल। मीनू 8 भाई बहन थी जिनमें उनके सबसे बड़े भाई थे मशहूर कॉमेडियन महमूद अली। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले। मीनू मुमताज जब बहुत छोटी थी तभी से वो अपने डांसर पिता के साथ अलग अलग शहरों में जाकर लाइव स्टेज शो करती थी और तभी से डांस जैसे उनके अंदर रच बस गया था। जादे, 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 जादे। और वो डांस की भाव भंगिमाओं को समझने लगी थी। लेकिन अफसोस कि उनके पिता को धीरे धीरे शराब की बुरी लत लग गई और देखते ही देखते घर का माहौल खराब होने लगा। उनके पिता अब शराब पिए बगैर कुछ और कर ही नहीं पाते थे और इस तरह उनके घर की माली हालत बिगड़ने लगी। घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर होने लगे। ऐसे में जहीन बच्ची मीनू मुमताज ने सोचा कि अगर वो स्टेज शो के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने लगती हैं तो कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे और इस तरह वो अपने छोटे भाई बहनों और माँ के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएंगी। इस तरह उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया
और उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री मिल गई। मीनू को बचपन से ही कला में बहुत रुचि थी, इसके लिए उन्होंने अपने पिता से डांस की ट्रेनिंग भी ली थी। वो टैलेंटेड तो थी ही, इसलिए उन्हें हिंदी सिनेमा में सबसे पहला ब्रेक दिया देविका रानी ने। उन्होंने मीनू मुमताज को बॉम्बे टॉकीज में बतौर डांसर रख लिया। 1955 में आई फिल्म घर घर में दिवाली से मीनू ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने गांव में रहने वाली एक डांसर का किरदार निभाया। इसके बाद 1955 में मशहूर डायरेक्टर नानू भाई वकील ने उन्हें अपनी फिल्म में मौका दिया और उस फिल्म का नाम था सखी हातिम। लेकिन उन्हें असली शोहरत मिली अगले मार्च 1956 में आई गुरुदत्त की फिल्म CID से। ये फिल्म सुपरहिट रही दोस्तों, और मीनू मुमताज भी रातों रात सबके जहन में उतर गई। इस फिल्म के बाद मीनू की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि उन्होंने एक साथ कई बड़ी फिल्में साइन की। और इसके पीछे थी वजह मीनू मुमताज का अच्छे अभिनय के साथ साथ अच्छा डांस परफॉर्मेंस, जिसमें वो नृत्य के भाव भंगिमाओं का बखूबी इस्तेमाल करती थी। क्या उनके एक्सप्रेशन होते थे, जो हुनर उनको उनके पिता से विरासत में मिला था। जी हाँ, डांसिंग सॉन्ग के साथ साथ वो सह अभिनेत्री के रोल भी करने लगी थी और कैरेक्टर रोल से भी दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने लगी। मीनू ने धीरे धीरे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और सभी भाई बहनों की जिंदगी में सुधार आने लगा। बाद में कॉमेडियन के तौर पर मशहूर हुए उनके बड़े भाई महमूद ने भी इस बात को माना है कि मीनू ने एक छोटी बहन की तरह नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह हमारे पूरे परिवार को संभाला था। बता दें कि तब महमूद फिल्मों में नहीं आए थे और मीनू मुमताज फिल्मी दुनिया में छा चुकी थी। ये वो वक्त था दोस्तों जब मीनू सभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्ट्रेस के साथ काम करने लगी थी और हेलेन जैसी डांसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डांस के जलवे बिखेर रही थी। हेलेन ने भी कई बार उनके डांस परफॉर्मेंस की तारीफ की थी। बताते हैं कि मीनू मुमताज के बड़े भाई महमूद की गहरी दोस्ती थी कॉमेडियन एक्ट्रेस जॉनी वॉकर और आगा साहब के साथ। बाद में इन दोनों के साथ भी मीनू मुमताज ने काम किया। कान पकड़ो, पकड़ो मैं कहता हूँ। लो, मेरे, तुम मेरे हो ना? क्या? जॉनी वॉकर के साथ तो पर्दे पर इनकी हिट जोड़ी बन गई थी। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डाल। फिर मीनू मुमताज ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी कई फिल्में साइन की, जिसमें एक फिल्म आई ब्लैक कैट। इस फिल्म में उनके को एक्टर्स थे ग्रेट ग्रेट एक्टर बलराज साहनी। इसके अलावा उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीबी और गुलाम में भी काम किया। उनकी अन्य मुख्य फिल्मों में ताजमहल, घूंघट, इंसान जाग उठा, घर बसा के देखो, गजल, अली बाबा, अलादीन, धर्मपुत्र और जहां आरा थी। ये उनकी वो यादगार फिल्में हैं जिनमें उनके किरदारों को आज भी सिनेमा प्रेमियों द्वारा याद किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें मीनू मुमताज से जुड़े विवाद की, तो 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में उन्होंने अपने सगे भाई महमूद के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। पर्दे पर भाई बहन के रोमांस को देखकर दर्शक नाराज हो गए थे और इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। बताया जाता है कि उस समय भाई बहन का ऑन स्क्रीन रोमांस देखकर लोग बहुत भड़क गए। हालांकि बाद में पता चला कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी भाई और फिल्म के डायरेक्टर के कहने पर ऐसा किया गया था। कहा जाता है कि उनके अलावा
कभी किसी रियल लाइफ भाई बहन ने ऐसा किरदार निभाया नहीं, ऐसी हिम्मत की नहीं, चाहे वो कजन ही क्यों ना रहे हो। करीना कपूर, रणबीर कपूर को कुछ फिल्मों में साथ काम करने के ऑफर तक मिले, लेकिन बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के ऑपोजिट काम करने से साफ इनकार कर दिया था। खैर, 1963 में बड़े ही धूमधाम और शानो शौकत से मीनू मुमताज की शादी हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर सैयद अली अकबर से, जिसमें मीनू मुमताज और महमूद साहब ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया और काफी नामचीन हस्तियां उसमें शरीक भी। दोस्तों, अगर बात करें मीनू मुमताज के नामकरण की, तो उनके भाई महमूद की शादी मीना कुमारी की छोटी बहन मधु से हुई थी, जिससे मीना जी का उनके घर में बहुत आना जाना था और वो मीनू मुमताज को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। बताते हैं कि दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी ने ही उनका नाम मीनू मुमताज रखा था। मीनू मुमताज ने अपने बचपन और जवानी के शुरुआती दिनों में काफी बुरे दिन देखे थे दोस्तों, बाद में उनके अच्छे दिन भी आए, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें वो किरदार और लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला नहीं जिसकी वो हकदार थी, जिसकी उन्हें चाहत थी, और इसी वजह से शादी के बाद धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से अपनी दूरी बना ली। मीनू मुमताज की 3 बेटियां और 1 बेटा है। फिल्मों से रिटायर होकर वो लंबे समय से कैनेडा के टोरंटो शहर में रह रही थी। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2021 को 79 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत। देखते रहिए बॉलीवुड इतिहास, फिर मिलेंगे आपसे और भी अलग अलग फिल्मी चर्चाओं के साथ।